सुंदर वस्त्र आपके व्यक्तित्व को बदल सकता है, पर सुंदर व्यवहार आपके जिंदगी बदल सकता है। अगर समय अच्छा चल रहा है तो उसका भरपूर आनंद लें, क्योंकि वो सदैव रहने वाला नहीं है। और अगर समय बुरा चल रहा है तो चिंता न करें, क्योंकि वो भी सदैव रहने वाला नहीं है। कभी ऐसी बहस मत करो कि आप बहस तो जीत जाओ मगर रिश्ते हार जाओ। रिश्तों में तकरार का एक ही कारण है, मैं सही तुम गलत। जिसे मैं की हवा लग गई उसे फिर न दवा लगी न दुआ लगी। कुछ समस्याएं जो हमारे पास हैं उसके बारे में सोचकर दुखी होने से अच्छा है हम ये सोचकर खुश रहें कि दुनिया में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे पास नहीं हैं। माफ़ी मांगने का अर्थ ये नहीं है कि आप गलत हैं। माफ़ी मांगने का अर्थ ये है कि आप अपने रिश्ते को अपने अहंकार से अधिक महत्व देते हैं। भावनाओं को समझने वाला एक अनपढ़ व्यक्ति भी दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा आदमी होता है। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है ये देखने में हम इतने व्यस्त हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है यह देखने का वक्त ही नहीं मिलता। घमंड में इंसान भूल तो सकता है मगर फल नहीं सकता। धैर्य रखें, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। अगर आप परेशानियों से गुजर रहे हैं तो एक बात याद रखिए, सितारे कभी भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। माफ़ी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। यदि आपके पास जो कुछ भी है आप उसमें खुश और संतुष्ट हैं तो आप बहुत अमीर इंसान हैं। रिश्ते बरकरार रखने की एक ही शर्त है, भावनाएं देखिए संभावनाओं को नहीं। क्या आग के बिना कुछ ही पाना कुछ भी संभव नहीं होता। सांसों को ही देख लीजिए, एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है लेकिन बुरे वक्त में लोगों का बुरा रवैया वो कभी नहीं भूलता। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपके दोबारा बोलने का इंतज़ार करें। सेवा सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकता है इंसान नहीं। कोशिश न कर तू सबको खुश रखने की, नाराज तो यहाँ कुछ लोग ईश्वर से भी हैं। प्रयास करने वाला इंसान तो कुछ बार ही गिरता है लेकिन प्रयास न करने वाला इंसान तो जिंदगी भर गिरता है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आती हैं, यही प्रकृति का नियम है। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है फिर भी लोग कुएं से ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है पर उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वह महान बनता है। जिस दिन आपको अपना मूल्य खुद पता चल जाएगा उस दिन के बाद आपको किसी के द्वारा की गई प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस दिन आप अपने साथ खुश रहना सीख जाओगे। जो बदला जा सकता है उसे बदलिए, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकारिए, और जो स्वीकारा नहीं जा सकता है उससे दूर हो जाइए, लेकिन खुद को हर हाल में खुश रखिए।